सो गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं? अभी 9:23 हो गए हैं और काफ़ी लंबे टाइम से ये ब्लॉग चल रहा है, तो सोचा इस ब्लॉग को एंड करके नए ब्लॉग की शुरुआत कर दी जाए। पहुंच गए हैं कामाख्या देवी और अब यहाँ से जा रहे हैं मंदिर की तरफ। तो चलिए मिलते हैं आपको मंदिर की तरफ। तब तक चैनल पे अगर आप नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। 28 घंटे की जर्नी के बाद हम यहाँ पहुँचे हैं, तो फिलहाल का ये सीन है। गुड मॉर्निंग, और कैसे हैं? 9:30 बज गए हैं, 9:26 का टाइम है और ये है कामाख्या देवी टेंपल का मेन गेट। यहाँ से तकरीबन 3 किलोमीटर ऊपर जाना होता है, 3 किलोमीटर ऊपर जाना है। तो और कैसे हैं आप लोग? तो एक नए व्लॉग की शुरुआत हो रही है सीधे कामाख्या देवी से और हम जा रहे हैं, कोई VIP दर्शन करके जा रहा है। तो अब चलते हैं सीधे कामाख्या देवी, यहाँ से हमें मिलेंगी गाड़ियाँ और ये गाड़ियाँ हमें लेके जाएंगी ऊपर। 20 रुपये पर सवारी के हिसाब से ये लेते हैं, तो चलते हैं ऊपर की तरफ। तो फाइनली नीचे से टैक्सी वाले के ऊपर आ गए, 30 रुपये पर टैक्सी की सवारी लेते हैं यहाँ पे। और चलो है दादी है। कोई बात नहीं, VIP टिकट दर्शन का सीरीज है, 501 रुपये का पड़ा, क्योंकि हम बहुत यहाँ पे पता किया क्या सीन है, कैसे दर्शन होंगे, तो पता चला जो जनरल लाइन है उसमें अगर हम सुबह 5 बजे लाइन में लगेंगे तो शाम को कहीं 5-6 बजे के आसपास हमारे दर्शन होंगे। तो फिर डिसाइड किया कि 501 रुपये कैपेबल हैं देने को, वो दे देते हैं। और ये अपना प्रसाद है और फिर जो है अब आके बैठ गए वेटिंग हॉल में। हम यहाँ पहुँच गए थे 10:30 बजे के आसपास, टिकट काउंटर की लाइन में सबसे आगे थे लगभग, तो मिल गया टिकट। और टिकट लेने के बाद अब निकलेंगे हम दर्शन को, जो 2:30 बजे के बाद हमारे दर्शन होंगे। तो फिलहाल का ये सीन है अभी। फाइनली इट्स टाइम टू से बाय बाय टू कामाख्या मंदिर। माता रानी कृपा करें और अगले साल फिर बुलाएं। बहुत अच्छे दर्शन हुए, वो एक्चुअली टीका नहीं लगाया लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। थोड़ा क्राउडेड है और चीज़ें थोड़ी मैनेज करने लायक हैं कि भीड़ को कैसे मैनेज किया जाए एंड ऑल थिंग्स, और बाकी सब बहुत अच्छा था, दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो फाइनली ये है मंदिर, चलते मैं दिखाता हूँ आपको। ये है गर्भगृह और कुछ ऐसे डेकोरेशन है मंदिर का। ये सामने मेन गेट है, ये बैक साइड है। सॉरी, फोटो खींच रहे थे। ओहो भाई साहब, यहाँ पे बकरे समझो आप कितने बड़े बड़े बैठे हुए हैं। तो चलिए मंदिर कुछ ऐसा था, दर्शन बहुत अच्छे हुए। तो अब निकलते हैं यहाँ से बाहर को और फिर मिलते हैं आपसे। भाई क्या लग रहा है भाई साहब, ये मंदिर शाम के टाइम पे अल्टीमेट नज़ारा है। जाने का मन तो नहीं है लेकिन फिर भी जाना पड़ेगा।
तो अब चलते हैं माँ कामाख्या देवी से गुजारिश करके कि अगले साल फिर बुलाएं, अच्छे से रखें, सबका भला रख करें, फिर हमारा भला करें। सो फाइनली टाइम हो गया है 5:12। सुबह हम तकरीबन 10:30 लाइन में लगे थे और 10:30 के बाद अब जाके दर्शन करके फ़ोटो वोटो खींच के अब बाहर निकल पाए हैं। थका देने वाला सफ़र था। कुछ एक चीज़ें हैं जो मैं भी आपको व्लॉग में बताऊंगा, अगर आप कामाख्या देवी आ रहे हो तो आप क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे बुकिंग होनी चाहिए नवरात्रि के टाइम पर अगर आप हो। अच्छा नहीं, चलिए इस चीज़ को बाद में और बाहर डिस्कस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर ढंग से मैं बता भी नहीं पाऊँगा और ना आप लोगों को समझ में आएंगे। तो मैं सारी चीज़ें अभी डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में कि यहाँ का क्या सिस्टम है और क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ी, ये सारी चीज़ें बताएंगे। भैया साथ में आ गए तो ये सारी चीज़ें अभी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी फ़िलहाल उतर रहे हैं, सीढ़ियाँ पीछे देख रहे होंगे, अच्छी खासी सीढ़ियाँ हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन हाँ ठीक ठाक हैं। तो अभी ये कहीं एक जगह पहुंच के कहीं बैठ के फिर डिस्कस करते हैं इस चीज़ को, फिर मैं बताता हूँ पूरी इन्फॉर्मेशन आपको कामाख्या देवी के बारे में। जय माँ कामाख्या देवी। ये सामने आप गेट देख रहे हो, बस आ गई सामने, ये कामाख्या देवी का गेट है। चढ़ाई यहीं से शुरू होती है और कुछ ऐसा सीन होता है कि आप कहीं भी रुको, आप यहाँ पे आओगे, बस निकल जाए, यहाँ से आपको वो जो वैन जाती हुई दिख रही है ना ऊपर को, ये वैन आपको 20 रुपये पर सवारी लेके जाती हैं, 20 रुपये पर सवारी, और आपको वहाँ पे छोड़ देती हैं। और फिर ऊपर आपको वॉकिंग डिस्टेंस पे मंदिर मिलता है। कल ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, अभी तो वैसे मैं गुवाहाटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर लोकल मैं घूमूंगा, यहाँ पर क्या है क्या क्या नहीं है वो मैं इस वीडियो में कवर करने की कोशिश करूँगा। कहाँ पे आपको अच्छा खाना मिल सकता है, कहाँ पे आपको वेज अच्छा मिल सकता है, कहाँ पे आपको नॉनवेज अच्छा मिल सकता है। वैसे माता रानी के दरबार आए हो तो नॉनवेज ना खाओ, लेकिन फिर भी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं आपको बताऊँ। तो ये है अभी का सीन। तो मैं ये चीज़ क्यों कामाख्या देवी वाली यहाँ पर मैंने डिस्कस की, क्योंकि एक अलग दिन है और मैं आपको बता दूँ आज मेरी ट्रिप का 4th दिन है ये। हाँ, 4 दिन हो गए मुझे घर से निकले हुए। ओह, अभी फ़ोन गया था। और अभी टाइम हो रहा है 1:15। तो मैंने ये चीज़ बताने, कल मैंने जहाँ पे ये व्लॉग ख़त्म किया था ना, उसी चीज़ को मैं कंटिन्यू करना चाह रहा था कि अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। वैसे आप अगर किसी और महीने में आ रहे हो, जैसे कोई फेस्टिवल नहीं है यहाँ का, तो सो फॉर सो गुड है, आप नॉर्मली आके अपनी 501 की रसीद कटा के दर्शन कर सकते हो। और अगर आप आ रहे हो, जैसे मैं आया नवरात्रि में, है ना, नो डाउट मेरे दर्शन बहुत अच्छे हुए, 501 रुपये की मैंने रसीद कटाई अपनी, टिकट लिया, दर्शन बहुत अच्छे हुए। और लेकिन बस ये था ना कि टाइम टेकिंग था, मैं 10:30 के आसपास लाइन में लगा था और चीज़ें उतनी अच्छी सिस्टमेटिक नहीं है। जब तक मैं लाइन में था तब तक मैं चीज़ों को कोस रहा था कि वैष्णो देवी में इससे ज़्यादा भीड़ है, लेकिन भीड़ मैनेजेबल है, और यहाँ पर भीड़ मैनेज नहीं हो रही। लेकिन वो गलत तब साबित हुआ जब मैं अंदर गया, जो गर्भगृह है, जब वहाँ पे हम गए और हमने देखा कि मतलब क्राउड ज़्यादा है, भीड़ बहुत है, और एक ही रास्ता है जाने का गर्भगृह, जहाँ पर माता रानी की पूजा होती है, हम आचमन करते हैं जल का, और फिर उसी लाइन को वहीं से वापस करना है, भीड़ भी वहीं से निकालनी है। तो मैं थोड़ा गलत साबित हुआ उस जगह पे, चीज़ें वहाँ के लोग मैनेज करते हैं। लेकिन अब बस एक चीज़ यहाँ पे भी मुझे लगी कि यहाँ पे जो पंडे हैं ना, उनका यहाँ पे भी राज है, जैसे विंध्याचल में है, सेम कुछ सिमिलैरिटी मुझे वैसी वाली लगी यहाँ पे भी कामाख्या माँ के दरबार में, कि पंडों का राज है। जैसे वैष्णो देवी में श्राइन बोर्ड है, वहाँ पर कुछ भी नहीं है कि आप अपना दर्शन करो और सब कुछ श्राइन बोर्ड के हाथ में है, सारी चीज़ें मैनेज है, एक लाइन जा रही है, दर्शन करके तुरंत निकाल दे रहे हैं।
यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पंडो का थोड़ा बहुत राज है, वो कहते हैं चलिए मैं आपको पूजा करा दूँ, दर्शन करा दूँ, ऐसी वाली है। और एक ये हिंदू मंदिर है, तो मतलब हाँ ये देखिए मुझे क्या मिला, विंटेज कार। उसके पीछे भी एक विंटेज कार है भाई साहब। हाँ कौन सी है, किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मैं देखने को हूँ, आई डोंट नो, ये फिएट है पुरानी वाली। तो हाँ मैं क्या कह रहा था, वो एक अच्छी चीज़ दिख गई तो मैं आपको दिखाने लगा। तो क्या है ना कि एक सिस्टम होना चाहिए, सिस्टम अगर है तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। लेकिन यहाँ पे क्या भीड़ बहुत है नवरात्र, एक तो हो सकता हूँ मेरा टाइम गलत हो, मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ की चीज़ें गलत है, मैं गलत साबित किसी को भी नहीं कर रहा, हो सकता हो कि मैं गलत टाइम पे आया, नवरात्रि के टाइम पे वैसे ही रश बहुत होता है यहाँ के लोकल, प्लस बाहर से टूरिस्ट आते हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। तो टूरिस्ट को मैनेज करना वो एक है कला, कि आप उस चीज़ को मैनेज कैसे कर रहे हो, और उस भीड़ को मैनेज करने वाला जो सीन है वो अगर किसी भी तरीके से सिस्टम के अंदर आ जाए ना, तो वो चीज़ हो सकती है कि कैसे मैनेज करें, कि यार एक वहाँ पे पार्टीशन मार दो, ऐसे करके कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन हाँ ये था कि मैं 10:30 बजे के आसपास लाइन में लगा था और दर्शन हुए 5 बजे, हाँ लगभग 5 बजे के आसपास दर्शन हुए मेरे। हाँ वो था ना कि इतनी देर का जो टाइम था वो टाइम ऐसा था ना कि वेट कर करके हालत ख़राब हो गई थी। तो लेकिन जब दर्शन हुए ना तब दिल खुश हो गया, सारी थकावट दूर, कि मतलब हाँ अब यहाँ पे आना और इतना वेट करना सफल है माता रानी के दर्शन के बाद। और फिर एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ कि माँ कामाख्या इसका एक वो भी है, कि आप जो है ऑनलाइन बुक कर सकते हो, यहाँ की एक साइट है, उस साइट का मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, थोड़ा थक गया पसीना आ गया। तो आप वहाँ से ऑनलाइन बुक कर सकते हो अपना टिकट VIP दर्शन का। वैसे मैंने बुक करने की कोशिश की थी, नहीं हुआ, क्योंकि अभी का क्या सीन चल रहा है कि भीड़ बहुत है, सबने ऑनलाइन बुक कर रखे हैं। यहाँ पे कुछ 2100 दर्शन होते हैं, उसमें 2100 दर्शन में ऐसा मुझे यहाँ पे लोगों ने बताया 2100 दर्शन है, जिसमें आपका VIP दर्शन भी है, नॉर्मल दर्शन भी है, इतने ही दर्शन कराते हैं। तो VIP के मेरे ख्याल से 500 पासेज होते हैं, ऐसा कुछ है, आप उसको चेक कर लेना। अगर आप रश वाले डेज़ में आ रहे हो, जैसे वीकेंड पे आए तो वीकेंड में आपको रश मिलेगा, आप अगर त्यौहार के टाइम पे आए तो आपको रश मिलेगा, यहाँ का कुछ लोकल है तो उसमें आपको रश मिलेगा। मैं नवरात्रि के टाइम पे आया तो मुझे बहुत तगड़ा रश मिला, इसीलिए मुझे इतना सा टाइम लग गया। मैंने ऑनलाइन बुक करने की कोशिश की तो 15 तारीख तक पूरा वो ऑनलाइन टिकट बुक दिखा रहा था, तो मैंने कहा छोड़ो। फिर मैंने यहाँ के लोकलों से बात की, पंडों से बात की, तो उन्होंने बताया कि आप सुबह 4 बजे आके लाइन में लग जाओ, नहीं सॉरी, सुबह 3 बजे आके आप लाइन में लग जाओ, जितनी जल्दी आप लाइन में लगोगे उतनी जल्दी आपके दर्शन होंगे। मैंने कहा ठीक है भाई। तो 3 बजे उठे, 2 बजे उठा, नहाने धो के सब तैयार वैयार हो के कोशिश की निकलने की, और जो भयंकर यहाँ पे आंधी तूफान की हम नहीं निकल पाए। हमने कहा छोड़ो फिर, अब देखते हैं कैसे होते हैं दर्शन। फिर हम यहाँ से निकले 8 बजे, 10 बजे वहाँ पहुँचे, तब हमने ऑफलाइन टिकट के बारे में पता किया, तो उन्होंने कहा कि आप लाइन में लग जाओ और मिल जाएगा टिकट आपको ऑफलाइन। पहुँचे, ऑफलाइन टिकट मिला, ऑफलाइन टिकट लेके फिर हमको एक वेटिंग हॉल में बैठा दिया, 501 रुपये का टिकट होता है, वेटिंग हॉल में बैठाया। वेटिंग हॉल में 1.5 घंटा वेट कराया, 1 बजे के आसपास मिला था टिकट, 1.5 घंटे फिर वेट कराया हमको, और 1.5 घंटे के बाद फिर लेके गए जहाँ से VIP लाइन के दर्शन होते हैं। VIP लाइन इन द सेंस जो आप जर्नल लाइन लगाते हो उसको तकरीबन आप 10वें हिस्से में डिवाइड कर दो, उतनी डिस्टेंस आपकी कम हो जाती है, वो डिस्टेंस आपकी कम हो जाती है, लेकिन रश उसमें भी है। उसमें क्या है कि एक टिकट अंतराल होता है ना, कि मान लो 100-100 टिकट उन्हें बांटने हैं, तो 100 टिकट उन्होंने बांटा, 100 लोगों को एक जगह पे बैठा दिया, ठीक, और 100 लोगों को एक बार में भेजेंगे। जर्नल लाइन तो आ रही है और वो VIP वाले 100-100 के टुकड़ों में जा रहे हैं अंदर, तो उनके दर्शन अच्छे हो जाते हैं और टाइम बच जाता है, ऐसा होता है। तो मैं दे दूँगा लिंक,
और वहाँ बाकी और तो कुछ है नहीं, एक ये हिंदू मंदिर ऐसा है जहाँ पे मैंने बलि देखी, बलि चढ़ती है, लोगों की कुछ मान्यता होती हैं, तो पांच चीज़ों की बलि दी जाती है। उन पांच चीज़ों में एक पक्षी होता है, कबूतर, भैंसा होता है और मछली होती है और बकरा होता है और पेड़ होता है, केले का पेड़। इन चीज़ों की बलि चढ़ती है यहाँ पे। फिर जिनकी मान्यता पूरी हो जाती है वो अपना करते हैं ऐसे वाला। तो फ़िलहाल का ये सीन है। मैं अभी, आप जितना भी मेरे पीछे देख रहे हो, मैं गुवाहाटी एक्सप्लोर कर रहा हूँ और पैदल पैदल चल रहा हूँ। चलने को क्या, मैं चलता हूँ तो ऑटो ऑटो कुछ भी ले सकता था, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, अभी थोड़ा पैदल चल लिया जाए, देख लिया जाए। यहाँ की मुझे गुवाहाटी के बारे में एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, बहुत बढ़िया है। यहाँ पर रश बहुत है, ट्रैफिक बहुत है, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है सही बताऊँ तो, लेकिन एक भी आज तक मैंने रेड लाइट और सिग्नल्स नहीं देखे यहाँ पे। ये है, यहाँ का जो ड्राइविंग सेंस है वो बहुत अच्छा है लोगों का। मतलब कोई किधर भी ऐसे डाल रहा है, इधर से निकाल रहा है, उधर से डाल रहा है, ये वाला सीन नहीं है, एकदम मतलब बेहतरीन वाला है यहाँ का। मैंने किसी भी चौराहे पे, सर्किल पे रेड लाइट देखी नहीं। शाम के टाइम पे यहाँ से ट्रैफिक पुलिस वाले खड़े होते हैं, ट्रैफिक पुलिस खड़ी हो गए बस, और वो मैनेज करते हैं, और ट्रैफिक अच्छा स्मूथ मैनेज होता है। जाम तो लगता है, ऐसा नहीं है कि जाम नहीं लगता, जाम लगता है, लेकिन मूविंग ट्रैफिक रहता है, वो मूव करता रहता है, ऐसा वाला है। तो चलिए आपको मैं गुवाहाटी का टूर देता हूँ, जहाँ पे हूँ मैं, कामाख्या सिटी, और दिखाता रहता हूँ कहाँ जा रहा हूँ, क्या है अच्छे खाने के ऑप्शंस, क्या क्या हैं, ये सब आपको दिखा दूँगा इस वीडियो में। सिर्फ एक घंटे की बची है वीडियो। तो अभी का सीन ये है, मैं आपको दिखाता हूँ कुछ। एक घंटे अभी टाइम हो गया है 4:48, और यहाँ का मौसम आप देख रहे होंगे एकदम अंधेरा सा हो रखा है, ये समझिए एकदम अंधेरा हो रखा है। अभी हम गुवाहाटी हैं, अब यहाँ को टाटा बाय बाय कहने का टाइम आ गया। अब जा रहे हैं हम रेलवे स्टेशन की तरफ। ओ रेलवे स्टेशन, और जहाँ पे पता है जगह जगह पे ऐसे बहुत ढेर सारी जगह सजी हुई हैं, जहाँ पे अंदर कुछ तो है, मैं गया नहीं इनमें, लेकिन नवरात्रि के चलते यहाँ पे देवी दर्शन और ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और यहाँ पे अंधेरा होने का मेन रीज़न ये है ना, ये नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे सूरज सबसे पहले उगता है कि पूरब है और अस्त पश्चिम में होता है, तो पश्चिम दूर है, तो यहाँ पे इस वजह से अंधेरा बहुत जल्दी हो जाता है। तो फिलहाल ये है, तो अब मिलते हैं हम आपसे सीधे रेलवे स्टेशन पे, और अब वापसी का सफ़र है। माँ कामाख्या देवी को बाय बाय कहने का टाइम आ गया है, दिल तो बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, पर ये वादा करके जा रहे हैं माँ से कि माँ फिर से बुलाना, जल्दी बुलाना, और फिर आएंगे यहाँ पे। तो चलिए मिलते हैं सीधे आपको रेलवे स्टेशन पे, और दिखाते हैं बाहर के कुछ नज़ारे। आपको एक छोटी सी क्लिप मैं अभी थोड़ी देर बाद दिखाऊंगा, पहले दिखा चुका हूं उसके बारे में मैं बता रहा हूं। एक बस में, यहां पे मुझे ट्रांसपोर्ट का सबसे अच्छा साधन लगा यहां की जो इलेक्ट्रॉनिक बस है, वो 10-10, 20-20 रुपए का फेयर लगता है और आप एक अच्छी दूरी कवर करते हो। और एक सबसे अच्छी बात, ये डिजिटल है, पूरा डिजिटल इन द सेंस कि अपने यहाँ ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि अगर आपके पास कैश नहीं हो तो आप पेमेंट पेटीएम से कर दो, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है अपने यहाँ। लेकिन यहाँ पर हर बस में ये चीज़ मैंने देखी कि अगर आपके पास कैश नहीं है तो आप हर बस में पेटीएम कर सकते हो, हर सीट पे आपको बारकोड मिलेंगे और आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हो, तो यहाँ के लिए ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है। चलिए आपको दिखाता हूँ ये सिटी। यहाँ पे ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, मतलब डिसिप्लिन है कि ये आप ट्रैक देख रहे हो, ये पैदल चलने वालों के लिए है,
हमारे लखनऊ में भी है लेकिन कोई यूज़ नहीं करता, और यहाँ पे मोस्ट ऑफ द पब्लिक को मैंने देखा है इसको यूज़ करते हुए कि इसको यूज़ करते हैं, और जगह जगह पे यहाँ पे कट है तो ऑटो यहीं पे रुकेगा, सवारी यहीं से लेगा, बीच बीच में कट है और ऐसे लोग इसको यूज़ करते हैं। हमारे यहाँ क्या है लखनऊ में मोस्ट ऑफ द प्लेसेस पे हैं ऐसी चीज़ें लेकिन कोई उनका यूज़ नहीं करता। आपको रोड पे देख रहे होगे ना पैदल लोग बहुत कम दिख रहे हैं, जितने भी पैदल वाले हैं वो सब इसी ट्रैक पे आपको दिखेंगे, है ना। ये चीज़ यहाँ की मतलब लोगों में सेंस है, ये चीज़ थोड़ा अच्छा लगा मुझे, तो मैंने कहा कि आपको दिखाया जाए। फिर से हम कामाख्या देवी जंक्शन पे, ये है नहीं नहीं कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली अब माता कामाख्या देवी को बाय बाय कह रहे हैं। कामाख्या जंक्शन से अभी ट्रेन अपनी चल चुकी है और टाइम हो गया है 6:30, और देखते हैं कितना टाइम लगता है इसको अभी पहुंचने में। अपनी जर्नी बहुत लंबी होने वाली है, तकरीबन 28 घंटे प्लस की अपनी जर्नी है ये। तो फिलहाल ये अपने सफ़र की शुरुआत है, ये सामने गुवाहाटी शहर को हम बाय बाय कह रहे हैं। आगे कुछ मौसम ख़राब सा है, कुछ बिजलियाँ कड़क रही हैं, बिजली कड़क रही है उस साइड में, मौसम कुछ ख़राब है, बादल हैं खूब ढेर सारे। रात का सफ़र है तो रात में क्या ही दिखा पाऊँगा, रात में कुछ ना दिखा पाऊँगा, अब सो ही जाना है। अपने अटेंडेंट साहब लेटे हुए हैं। फिर हाँ क्या ये क्या वेली टाइप क्यों लगा? अरे ये तो बस ऐसे मैं देख रहा हूँ इसमें कि क्या हो रहा है। अभी देखूंगा मैं, अभी दिखाऊंगा मैं, पहले बताओ मुझे कहानी बताओ। हाँ फिर बताओ क्या होता है। हाँ लाइक आदि बताओ। बताओ। एक भाई था। हाँ। वो प्रीसीटे नंबर लाई बैठी कुत्ती तो लाए। हाँ। उसके लिए उसकी बहन एक ए, ए, एक कुत्ती खरीदा उसके लिए। हाँ। वो भी ब्लैक कलर की। अच्छा। हाँ। हाँ। फिर दिखाऊंगा। तो सो गुड मॉर्निंग, टाइम हो गया है अभी का 9 बज गए हैं और ऐसे कट रहा है सफर। ये है छोटंकू महाराज जिन्होंने रात में भी खूब बेहतरीन एंटरटेनमेंट किया और अभी भी ये बंद ना हुए। परमानेंट इनका टेप रिकॉर्डर चालू है तो अभी फिलहाल ऐसे कट रहा है अपना सफर। तो मैं बताता हूं। अब तुम बोलो इसमें। Thank you to vlog guide.
हम दोनों जिले से पटना तक के है, वो पहुंचे हैं गोरखपुर तक। नहीं 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 बस इतनी ब्लॉग करनी थी। मैं पापा भी इतने गुंडे की तरह लगता है क्या पापा? अपने पापा को तो वैसे बताओ YouTube पर। YouTube पर आप बोलो बस। कितनी दूर तक इतना थाला प्रॉब्लम होता है जिससे आप धो नहीं पाओगे, इसलिए मैं इतना थाला कॉकलोट आया, कल भी आया, आज भी आया, 4 दिन आया दोनों। सो फाइनली अब पहुंच चुके हैं हम बिहार, और ये आप देख रहे हो ना पानी का सैलाब, भाई साहब इतना पानी है बिहार में। ये सारा वो जो अभी बाढ़ वाला हुआ था ना वही है, हर घर में, मतलब अभी इससे पहले का वीडियो मैं नहीं शूट कर पाया, उस समय गेट पे नहीं था, लेकिन अभी आके मैं गेट पे फिर से शूट कर रहा हूँ। ये है सीन अभी का फिलहाल। तो चलिए पहुँच गए कटिहार, और यहाँ पे सेवन करेंगे पूरी सब्जी का, खाते हैं फिर निकलते हैं आगे। तो आप देख रहे हो ये बिहार का सीन, पूरा पानी, मतलब ये सब घरों में, ये ब्रिज है, सब घरों में भरा हुआ है पानी, मतलब बहुत ही तगड़ा वाला यहाँ पे बाढ़ वाला सीन है। मैंने पीछे भी गंगा का वीडियो नहीं शूट किया, कर नहीं पाया एक्चुअली मैं, और जब तक उठता हुआ तब तक निकल गया था। इतना मतलब वाकई में बाढ़ पीड़ित एरिया, ये देखिए हर तरफ सिर्फ पानी पानी नजर आ रहा है, इतना पानी है ना बिहार में, मतलब जनजीवन एकदम अस्त व्यस्त हो रखा है, ऐसा वाला सीन है अभी का। ये देखिए भाई साहब हर तरफ सिर्फ पानी पानी और ढेर सारा पानी, लोगों के मतलब क्या ही हाल हुए होंगे। ये जो है नेपाल से छोड़ा गया था पानी, ये वही पानी है, काली गंडी की नदी जब वहाँ पर भर जाती है, उफान पर होती है, तो नेपाल अपना डैम का पानी उधर छोड़ देता है इंडिया में, तो उसी का है ये सब पूरा, मतलब तगड़ा वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ पर। फाइनली 6:01 और अपने इस घर को हम अलविदा कह रहे हैं। अब इस घर को अलविदा कहने का टाइम आ गया। लगभग ये ट्रेन कितना 3-3.5 घंटे लेट ही रुला मारा, हर एक ट्रेन को इसने पास दिया और खुद खड़ी हो जाती थी। तो इसी तरीके से कामाख्या सीरीज़ की करते हैं द एंड, मिलते हैं एक नई सीरीज में एक नए ब्लॉग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए। मैं राइडर वाइफ शशांक साइनिंग फ्रॉम दिस वीडियो। चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो। मिलते हैं जल्दी फिर किसी नए ब्लॉग और नई सीरीज़ के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए, बाय बाय।